नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में, जिसमें पहला स्टॉक है IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। यहां अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-6 दिनों से लोअर सर्किट लगातार चलते हुए दिखाई दे रहे थे, तो फाइनली अगर आज देखें तो लोअर सर्किट लगने का सिलसिला खत्म होता हुआ दिखाई दिया और फाइनली यहाँ स्टॉक में एक रिकवरी देखने मिली। तो आज यहाँ पे अगर आप सुबह देखेंगे तो सुबह तो आज यहाँ पे स्टॉक लोअर सर्किट पे लॉक था, लेकिन कहीं ना कहीं 3-3:30 बजे के आसपास, अगर आप देख रहे हैं 3 बजे के आसपास, तो यहाँ पे एक स्पाइक देखने को मिला और फाइनली स्टॉक जो है आज के दिन 4% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। दिन की रेंज की अगर आप देख रहे हैं 154 रुपए के आसपास का लो लगाया है, उसके बाद एक शानदार रिकवरी देखने मिली आखिरी आधे घंटे में और 170 रुपए 25 पैसे का हाई लगाया। एवरेज क्लोजिंग जो देखने मिली वो 168 रुपए 65 पैसे पे आते हुए दिखाई दी। कहीं ना कहीं यहाँ पे पिछले 5-6 दिनों से जिस तरीके से लोअर सर्किट लग रहे थे, निवेशकों के मन में एक सवाल था कि क्या यहाँ पे लगातार लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई देंगे और क्या यहाँ से बेच के निकल जाना चाहिए। तो क्या अब यहाँ पे खरीदारी का वक्त है, क्योंकि लोअर सर्किट कहीं ना कहीं आज फाइनली खत्म हो गया और आज यहाँ पे एक रिकवरी निचले लेवल से देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका 32 रुपए का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले इसने 214 रुपए का हाई लगाया। कहीं ना कहीं 6-7 गुना जो है लिस्टिंग से ये स्टॉक होता हुआ दिखाई दिया। कहने के जो इशू प्राइस था, जिन्होंने इशू में पैसे लगाए, वहां से 214 रुपए तक ये स्टॉक गया। तो जाहिर सी बात है, इतना ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 32 रुपए में जब इशू आया था, तब क्या किसी को पता था कि ये स्टॉक 214 रुपए का हाई बनाएगा? किसी को नहीं पता था। उस समय सबको ये लग रहा था कि 45-50 रुपए भी हो जाए बहुत है। फिर 45-50 होने के बाद बहुत से निवेशक जो थे जिनको नहीं मिला था, या FIIs की बात करें, मार्केट का मोमेंटम अच्छा खासा चल रहा था, PSU में बुल रन चल रहा था, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें भी देखने को मिला। कहीं ना कहीं पावर सेक्टर के स्टॉक जो थे वो भी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, उसका सीधा फायदा मिला। डिमांड जबरदस्त थी, रिटेल इन्वेस्टर्स तरफ से पार्टिसिपेशन अच्छा था, लगातार आपको कंसिस्टेंट बाइंग देखने मिली और स्टॉक में आपको लगातार तेजी देखने मिली। जिस दिनों जहां पे एंट्री की, उसके बाद उसको बाहर ऊपर के प्राइस पे एग्जिट जरूर मिली और यहाँ पे बहुत ही कम लोगों ने लॉस किया। लेकिन अब फाइनली एक लेवल जाने के बाद डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो कि यहाँ पे हमने देखी, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। 214 से लेके स्टॉक गिर के आज 154 का लो लगाता हुआ दिखाई दे, तो आज यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिली है। अगर आप यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप देख रहे हैं, 45,000 करोड़ के आसपास का देखने मिल रहा है। वहीं अगर आप यहाँ अभी देख रहे हैं प्राइस टू बुक पे, तो 7.16 की प्राइस टू बुक है। अभी EPS PE यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन चार्ट्स पे अगर आप देख रहे हैं, एक बहुत ही शानदार रनअप जो है नवंबर के महीने से, अगर आपको यहाँ देख रहे हैं एंड में इसकी लिस्टिंग हुई थी 29 नवंबर को, तो पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी और फरवरी के आसपास, यहाँ 6 फरवरी को इसने एक पीक लगाया। तो कहने के 2-2.25 महीने में स्टॉक 6-7 गुना हो जाएगा, तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा बहुत करेक्शन आना लाजमी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज का जो लो है उसको आप एक स्टॉप लॉस मान के चलते हैं और कहीं ना कहीं पोजिशन है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं 154 रुपए के आसपास इसमें एक बॉटम बना और उसका रिकवरी देखने मिले। तो कल देखना होगा क्या यहाँ से एक अपर सर्किट का सिलसिला चालू होता है, क्या कल से फिर यहाँ स्टॉक में एक रिकवरी देखने मिलती है, या फिर कहीं ना कहीं जो आज की रिकवरी थी वो मार्केट की रिकवरी थी और उसके बाद मार्केट में अगर फिर कोई करेक्शन आता है तो उसमें फिर ये स्टॉक गिरेगा, या फिर यहाँ से मार्केट नया हाई की तरफ जाता है तो क्या ये स्टॉक भी नया हाई लगाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कहीं ना कहीं आप कभी भी स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब उतना फेवरेबल नहीं है जितना कि आप 30-32-35 रुपए 50 रुपए 60 रुपए के रेंज में रहते, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि 214 से करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है, ऊपरी लेवल से 10-20-30% का करेक्शन स्टॉक में आ चुका है, तो थोड़ा वैल्यूएशन अभी थोड़ा सा ईज ऑफ होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 154 रुपए के लेवल पर नजर रखनी चाहिए, अगर उसके नीचे जाता है तो करेक्शन फिर गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें तो अभी सबसे बेकार तरीके से जो गिर रहा है स्टॉक, जिसमें कहीं ना कहीं सारे इन्वेस्टर्स पैनिक में है, वो है पेटीएम का स्टॉक। जिस तरीके से हमने देखा कि RBI की तरफ से एक मार पड़ती दिखाई दी, जो खबर आई वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थी और उसके बाद से कहीं ना कहीं ये स्टॉक में लगातार पिटाई देखने मिल रही है। आज के दिन भी देखें तो यहाँ पे 10% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पेमेंट बैंक से रिलेटेड जिस तरीके की प्रॉब्लम इस बैंक ने फेस की है, इस पेटीएम की कंपनी ने, वो आज भी यहाँ पे दिख रहा है। आपने देखा कि 10% के लोअर सर्किट पे स्टॉक लॉस है, लॉक होता हुआ दिखाई दिया, 52 वीक लो आज लगता हुआ दिखाई दिया नया,
और कहीं ना कहीं ये स्टॉक संभलने का नाम नहीं ले रहा है। वॉल्यूम भी जो है लगभग 1.5 करोड़ शेयरों से ज्यादा के होते हुए इंट्राडे में दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिटेल यहाँ पे ट्रैप होता हुआ दिख रहा है, और रिटेल से सबसे बहन वो मेन चीज ये चीज है आपको समझना चाहिए कि रिटेल इसमें फंसने की कोशिश ना करे। प्राइस अट्रैक्शन देख के आप अगर इसमें सोच रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस का अट्रैक्शन है, 998 रुपए का हाई था, आज 350 के नीचे मिल रहा है, तो बहुत बड़े डिस्काउंट पे मिल रहा है, एंट्री कर लेता हूँ, एवरेजिंग कर लेता हूँ, तो बहुत सारे जो निवेशक है वो एवरेजिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा कारण है जिसमें जिसके कारण स्टॉक और ज्यादा गिरता हुआ दिख रहा है। क्योंकि तो अगर आप इसका इशू प्राइस देखेंगे तो इशू प्राइस लगभग 2000 के ऊपर का था, बहुत से लोगों के अलॉटमेंट लगे थे, और उसके बाद जिस तरीके से इशू के बाद से ये स्टॉक लगातार टूटता हुआ दिखाई दिया था, बीच में एक रिकवरी जरूर आई थी चार्ट पे जिसकी हम बात करेंगे। आप पहले इसका मार्केट कैप देख लीजिए, मात्र 21,700 करोड़ के आसपास का बचा है, जो कि कहीं ना कहीं पहले मान के चला जा रहा था कि 1-1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था, बहुत बड़ी चीज है। और 10 बातें चल रही थी कि निफ्टी में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बहुत ही मुश्किल भरा समय इस कंपनी के लिए चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक में जिस तरीके का करेक्शन हुआ, एक बड़ा करेक्शन हमने देखा था हाल में, 750 के आसपास स्टॉक था, और वहां से लगातार 2-3 दिन लोअर सर्किट पे था, एक दो दिन रिकवरी जरूर आई है, लेकिन 500 रुपए के आसपास से फिर सेलिंग चालू हुई, और लगातार ये स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से फिर लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। इसने जो सपोर्ट लगाए थे 2-390 के आसपास के, उस लेवल को भी यहाँ पे हमने देखा कि कल सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन ब्रिज होता हुआ दिखाई दिया, और आज के दिन यहाँ पे नया लोअर सर्किट। तो कहीं ना कहीं फॉलिंग नाइफ है, इसे पकड़ने की कोशिश ना करें यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जितना एवरेज करते जाएंगे उतना इसका भाव नीचे आता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले बार जब कैसे लो लगा था, तो हमने देखा था जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से ही ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक बुरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई दिया था, लगभग 2000 के आसपास के ऊपर का भाव था, उसके बाद से इसमें लगातार एक गिरावट देखने मिली थी। इस स्टॉक ने जो बॉटम पहले लगाया था वो लगभग 400 450 के आसपास की रेंज में था, उसके बाद रिकवरी अच्छी खासी जरूर आई थी, 1000 रुपए के आसपास जाने की इस स्टॉक ने कोशिश जरूर की थी। और उस कंडीशन में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े जो नाम थे इस पेटीएम में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो बहुत से बड़े इन्वेस्टर जो थे उन्होंने एग्जिट कर लिया था। तो कहीं ना कहीं अब जो चीज बची है वो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है ऐसा देखने को लग रहा है, क्योंकि चार्ट पे जिस तरीके के एक बड़ा गैप डाउन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया, बहुत बड़े बड़े गैप्स बचे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एग्जिट लेने देंगे। बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप हैं, फंसे हुए हैं, तो जब कभी भी यहाँ पे बाउंस आएगा तो एग्जिट लेने वाले भी बहुत लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो एक चीज का ध्यान है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो कहीं ना कहीं इन स्टॉक से बचे, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं एंट्री लेने से बचना चाहिए। मार्केट में बहुत से और अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, आप उनकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, वहां पे अच्छे पैसे भी बन भी रहे हैं। यहाँ मार्केट हाई लगा रहा है, वहां पे अगर आपको ऐसे स्टॉक जो कि 52 वीक लो लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन स्टॉक से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और खासकर जब यहाँ पे न्यूज का आपको पता है जो नेगेटिव साइड पे है और इसपे अभी आपको कोई सपोर्ट देखने नहीं मिल रहा है, तो वो चीज, क्योंकि अभी बीच में खबर भी आ रही थी कि इसके वॉलेट बिजनेस को भी खरीदने के होड़ में 2-4 बैंक लगे हुए हैं, जिसमें से HDFC बैंक और रिलायंस का जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका नाम निकल के आ रहा है। तो वो खबर अभी तो रूमर्स के रूप में चलती हुई जरूर दिखाई दे रही है मार्केट में, लेकिन जब तक उसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक यहाँ पे कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिल सकती। तो कहीं ना कहीं ये चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। वैल्यूएशन बहुत लोअर साइड में चली गई, एवरेजिंग करेंगे यस बैंक टाइप का, तो यस बैंक में भी देखा था बहुत से लोगों ने लगातार एवरेजिंग की थी और कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट आया ही नहीं और फाइनली उनको नुकसान देखने को मिला, और यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके का फिलहाल अभी देखने मिल रहा है। कितने लोअर लेवल ये छू सकता है अभी उसकी कोई लिमिट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, तो जस्ट अवॉइड करें वो सबसे बेस्ट चीज होगी इस स्टॉक में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।